हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए, टू बी प्रिसाइज चार बिजनेस एनालिस्ट के पोजीशन के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट वर्क लोकेशन पर, कुछ वर्क फ्रॉम होम भी है, कुछ वर्क फ्रॉम ऑफिस है, कुछ हाइब्रिड मॉडल पे है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस हर लोगों के लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। कंपनी की भी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा और जो भी सैलरी पैकेज होने की बात है, शिफ्ट टाइमिंग, इंटरव्यू प्रोसेस का क्या रहेगा, सब कुछ आप इस एक वीडियो में जान सकते हो और चार चार वैकेंसी का आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली कंपनी के लिए हायरिंग चल रही है उसका नाम है एडलवाइस एएमसी। आपने एडलवाइस का लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो जरूर से सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो फिर आपको सुन लेना चाहिए, ये काफी फेमस कंपनी है। तो उसी की एएमसी है। एएमसी क्या होता है? ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। अगर आपने एसबीआई का, एचडीएफसी का और भी डिफरेंट डिफरेंट आईसीआईसीआई का देखा होगा कि इनका असेट मैनेजमेंट कंपनी होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको इस एएमसी के बारे में पता होगा। यही एएमसी के थ्रू आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर बाजार में, तो ये एएमसी ही वो काम करती है। तो वैसे ही एडलवाइस का एक एएमसी है जिसके लिए हायरिंग कर रहे हैं और पोजीशन इसके लिए रहेगी बिजनेस एनालिस्ट की। इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको जीरो से लेकर के फोर ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है। अगर आपको उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेजरली जीरो टू फोर ईयर्स तक का एक्सपीरियंस। इसका यही मतलब बैठता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अगर अप्लाई करना चाहते हो तो क्या करना होगा आपको? दोस्तों, आपको इसी वीडियो में आपको यहाँ पे एचआर का मेल आईडी मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ईमेल आईडी पे अपना सीवी शेयर कर देना, बस इतना ही करना है। और उसके बाद आपको इंतजार करना है। अगर एचआर को लगेगा कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है और आप सही कैंडिडेट रहोगे, तो आपके पास जरूर उनके एंड से कॉल आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्क है। हो सकता है कभी कभी आपको हाइब्रिड मॉडल मिल जाए, वैसे ओवरऑल ये वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्क है। इसके अलावा ये डे शिफ्ट जॉब रहेगा, कोई भी इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट का झंझट नहीं है। नॉर्मल ऑफिस आवर्स पे आपको काम करना होगा। वर्क प्रेशर की बात की जाए तो एवरेज रहेगा वर्क प्रेशर, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कंपनी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जो भी मैं आपको इस वीडियो में जितने भी कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ सबकी डिटेल्स आप जरूर एम्बिशन बॉक्स और ग्लास डोर पे चेक कर लेना। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज में अगर आप अप्लाई करते हो और आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर आपको लगता है वर्क कल्चर सही नहीं है, आपको सैलरी सही से नहीं मिल रही है, ऐसा बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को जरूर बोलता हूँ कि पहले आप अपने रेटिंग्स कंपनी के देख लो, एम्प्लॉय के रिव्यूज क्या है वो पढ़ लो, और उसके बाद अगर आप उनके रिव्यूज से अलाइन होते हो, आपको लगता है कि रेलिवेंट है और आप किसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हो, तभी आप जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज आप स्विच करोगे फिर बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील करना होगा, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, तो वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। एडलवाइस का ज्यादातर एएमसी की बात की जाए तो इसमें मुंबई हो सकता है आपका जॉब लोकेशन, बट उनके मल्टीपल ऑफिस हैं तो देखो क्या होगा। बट मेजरली ये एएमसी है तो इसका मेजरली जो ऑफिस रहेगा वो मुंबई रहेगा, तो हो सकता है आपको इनके मुंबई ऑफिस में ही ज्वाइन करना पड़े। तो उसके लिए अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो ही अप्लाई करना आगे जाने के लिए। दोस्तों, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपना सीवी फॉरवर्ड कर दो, उसके बाद इंतजार करो एचआर का। अगर कॉल आता है आपके पास तो आप उनसे सारी डिटेल्स बात कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपके लिए जॉब सुटेबल है तभी आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना। जो दूसरी वैकेंसी की हम बात करने जा रहे हैं वो है वेब ब्रांच टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी में। ये वडोदरा बेस्ड एक कंपनी है, गुजरात में है। अगर आपको लगता है आप गुजरात में जाके काम करना चाहते हो तो ये वडोदरा बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ये भी पोजीशन बिजनेस एनालिस्ट के लिए है, जिनका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर देना। इसके लिए कुछ स्किल सेट की जरूरत है जो वो मांग रहे हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया होना चाहिए क्योंकि आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहना है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम आपको रहेगा, तो आप अगर रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, अच्छे से डिस्कशन नहीं कर सकते, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे तो फिर अपने जॉब प्रोफाइल में फेल हो जाओगे, तो फिर अब आपको निकाल देंगे। इसीलिए ये भी स्किल होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, एक और भी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपको ना जो भी टूल्स होते हैं बिजनेस एनालिस्ट के वो सब आने चाहिए, और यहाँ पे आपको एजाइल या फिर वाटरफॉल मेथडोलॉजीज पे आपने काम कर रखा होना चाहिए, आपकी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर 2 से 3 साल काम कर रहे होगे तो ये सारी चीजें तो आपको आती ही होगी,
तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेल आईडी और फोन नंबर मैं दोनों यहाँ पे दे दे रहा हूँ, चाहो तो अप्लाई कर सकते हो दोनों, मेल आईडी और अपना फोन नंबर पे अपना सीवी फॉरवर्ड कर देना। बस दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड या फिर वर्क फ्रॉम होम मॉडल नहीं है, पूरा पूरा ऑन साइट जॉब है, तो वो चीज़ का जरा ध्यान रख लेना। हाँ, इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू आपका वर्चुअल हो जाएगा, बट ज्वाइनिंग जो होगी वो आपकी ऑन साइट ही होगी, और ऑन साइट ही आपका काम रहेगा, और वर्क जो वर्क वीक रहेगा वो 5 डेज का ही रहेगा, तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, और क्लाइंट्स आपके फॉरेन क्लाइंट्स रहेंगे। तो बस यही था, मिलते हैं थर्ड पार्ट में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तीसरी बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसी के बारे में। चलो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड वैकेंसी में, ये भी है बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन के लिए, लेकिन यहाँ पर जिनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स बिल्कुल स्टे अवे फ्रॉम दिस जॉब, ये सब जॉब तो आपके लिए नहीं है, इसका ध्यान रखना। ये जॉब भी है, ये भी गुजरात में ही है, बट लोकेशन थोड़ा डिफरेंट है, ये अहमदाबाद लोकेशन के लिए, ये भी परमानेंट ऑन साइट जॉब है, तो फिर आपको कोई भी वर्क फ्रॉम होम या कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं वही सोच रहा हूँ कि अहमदाबाद में ज़्यादातर ऑन साइट ही अपॉर्चुनिटीज है, कोई भी वर्क फ्रॉम होम देने को रेडी ही नहीं है, या फिर हाइब्रिड मॉडल भी वो फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप अच्छी पैकेज ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो अहमदाबाद लोकेशन के लिए, तो वही जो मैंने प्रीवियस स्किल सेट्स बोले वो आपको आने चाहिए, बट यहाँ पे जो अट्रैक्टिव चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने की बात है, अगर आप सिलेक्ट होते हो और इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल होते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा, मतलब जो इमीडिएट ज्वाइनर रहेंगे उनको कंपनी एक्स्ट्रा से बोनस भी देगी, मतलब तुरंत कंपनी को एक्चुअली मैसिवली हायरिंग कर रही है और उनको इमीडिएट हायरिंग कर रही है, तो इसी कारण वो इस तरह का बेनिफिट दे रहे हैं इस तरह के बोनस के थ्रू। तो ये एक अच्छी एडवांटेज है अगर आप तुरंत ज्वाइन करना कर सकते हो, और अगर आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल में अर्लियर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाएगा। जॉब प्रोसेस जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन में आपको बेसिक से 2 ही राउंड होंगे, पहला तो जो आपका टेक्निकल राउंड होगा और एक मैनेजरियल राउंड होगा, तो उसके लिए आप कंफर्टेबल रहना, और पहले में आपको तो जैसा स्क्रीनिंग कॉल आता है HR के एंड से वो आएगा, बस इतना ही है और कुछ खास नहीं इस बारे में बताने के लिए। चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे हम एक और बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो फोर्थ वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट कनेक्शन सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी में। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो 2 जॉब लोकेशंस आपके पास है, दोनों ही IT और टेक हब है, एक है बेंगलुरु दूसरा है पुणे। इसमें से किसी भी लोकेशन में आप वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब के लिए कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हो या फिर मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आपकी ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है तो ही आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई करने से भी कुछ खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको 8 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो भी बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में। ये नहीं कि आप बिजनेस एनालिस्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी और प्रोफाइल में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बोल दोगे कि मेरा टोटल 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको टोटल 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ बिजनेस एनालिस्ट रोल में, उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी पैकेज में कोई भी बार या कंस्ट्रेंट नहीं है, जितनी भी आपकी पैकेज है उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया पैकेज आपको मिल जाएगी, बस यही वर्क जो करना आपको मन लगा के करना। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग बोनस वगैरह कंपनी नहीं दे रही है जैसे वहाँ पर दे रही थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और मैं आपको सारे ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो फिर किसी पर भी अप्लाई कर दो, अगर देख लेना कि सारे क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो तभी अपना CV भेजना। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने चारों बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बताए हैं उस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो जरूर से शौक से अप्लाई करो, बट उससे पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने जो भी जॉब वीडियो बनाया है वो मैंने अपने बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया है, और ये सारे जॉब जेन्युइन है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो और आपको HR के एंड से पैसे वगैरह मांगे जा रहे हैं, कंपनी के एंड से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो समझ जाना कि ये स्कैम है, और आप किसी भी तरह किसी भी लोगों को पैसे बिल्कुल मत देना, क्योंकि इससे आपको ही फॉर्जरी का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि नौकरी हम मांगने जा रहे हैं तो सैलरी वो हमें देंगे, हम नौकरी देने नहीं जा रहे कि हम उनको पैसा देंगे, तो इस बात में डिफरेंस जरा समझ के रखना। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, बहुत सारे वैकेंसीज का पता चला होगा। हमारे चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पर हम इसी तरह जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग जॉब्स की मेल आईडीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी मेरी बातों से तो आप जाके दूसरे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।